किसने सोचा था कि महादेवी वर्मा की ऐसी कविताओं पर टिप्पणी के चलते एक सीएम को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। सियासी किस्सों में आज बात राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की। साल 1957, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने एक 25 साल का लड़का आया। नेहरू ने जब उनसे देश प्रदेश के हालात पूछे तो जवाब मिला, बाकी सब तो ठीक है लेकिन दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, चुनाव लड़ोगे? तो इस तरह दूसरे आम चुनाव में राजस्थान को जगन्नाथ पहाड़िया के रूप में एक दलित नेता और सांसद मिल गया। दिलचस्प बात यह रही कि पहाड़िया उस समय सबसे कम उम्र के सांसद थे, फिर 1980 तक 4 बार सांसद रहे। इसके बाद उन्हें विधानसभा का रुख किया। पहाड़िया की संजय गांधी से भी अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए 1980 में उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री पद भी मिल गया। 1980 की बात है, उस दौर में किसी दलित का मुख्यमंत्री होना बहुत मुश्किल था। आज मुश्किल होता है राजस्थान जैसे राज्य में जो सामान्य पृष्ठभूमि से आया हो, उनको ये अवसर मिला। और नेहरू उनसे प्रभावित थे, दिल्ली का नेतृत्व प्रभावित था, वो युवा थे, वो दलित समुदाय से आते थे जो सदियों तक बेजुबान रहा है। उनकी परफॉर्मेंस, उनका कार्य प्रदर्शन देखकर जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उनको ठीक लगा और उनको मौका दिया। हालांकि वो मात्र 13 महीने ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये काफी था। जगन्नाथ पहाड़िया ने अपने कार्यकाल में पूरे राजस्थान में शराब पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में इसके अवैध व्यापार और विरोध बढ़ने के चलते ये बैन भी हटा दिया गया। कामकाज से ज्यादा पहाड़िया का एक बयान उन पर भारी पड़ गया। वाकया कवित्री महादेवी वर्मा से जुड़ा है, जिनकी कविताओं पर पहाड़िया ने टिप्पणी करते हुए कहा था, महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई, उनकी कविताएं आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। साहित्य आम आदमी की समझ आए ऐसा होना चाहिए। बात यह कि कुछ चीजें तो उनसे हुई और कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। उन्होंने किस अंदाज में कहा था लेकिन वो सच में आवाम के बीच में इस तरह से पहुंचा गया कि उन्होंने इतनी बड़ी कवित्री के प्रति अनादर प्रकट किया है। उससे और उससे जुड़ी कई घटनाएं थी जिसकी वजह से उनको कुर्सी गंवानी पड़ी।